नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के यहाँ मंदिर में चोरी का आरोपी एक वर्ष बाद हुआ गिरफ्तार। बात करेंगे फरुखाबाद के, यहाँ दो बाइकों की भिड़ंत में एक बाइक सवार युवक की डंपर से कुचलकर मौत। बताएंगे कैसे शाजापुर में हरा भरा काली पीपल अभियान के अंतर्गत विधायक चंद्रवंशी ने ली बैठक। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पौड़ी स्थित शिव मंदिर में एक वर्ष पूर्व चोरी हुई थी, जिसमें मंदिर से सोने चांदी के आभूषण चोरी कर आरोपी फरार था। पौड़ी पुलिस द्वारा 27 मई यानी कि आज आरोपी आकाश उर्फ केलू को एक वर्ष बाद गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। फरुखाबाद जनपद में दो बाइकों की भिड़ंत से एक बाइक सवार मिष्ठान विक्रेता युवक की डंफर से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने कार्यवाही की मांग को लेकर हंगामा किया। पुलिस ने परिजनों को कार्यवाही का भरोसा दिया, जिसके बाद परिजन शव उठाने को राजी हुए। थाना मऊ दरवाजा के ग्राम तुर्कीपुर निवासी 20 वर्षीय युवक शोफियान पुत्र शमशाद गांव में ही मिठाई की दुकान चलाता था। शनिवार को वह छिबरा मऊ के ग्राम विरतिया स्थित अपनी ननिहाल में एक विवाह समारोह में शामिल होने गया था, जहां से सोमवार को शोफियान बाइक से लौट रहा था और उसी दौरान यह हादसा हो गया। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष अमित गंगवार, बगनार चौकी प्रभारी मोहित कुमार मिश्रा ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया और उन्होंने कार्यवाही का भरोसा दिया, जिसके बाद परिजन सड़क मृतक का शव उठाने को राजी हुए। इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा पढ़कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गया हुआ था मोटरसाइकिल लड़के भाई, वो ट्रक वाले ने चला दिया क्या? डंपर जो है पुलिस के साथ मोटरसाइकिल से आमना सामना हो गया, पीछे से डंपर आया, उनने चला दिया पे। अच्छा, आप कौन हैं इनके? बड़े बाप। क्या नाम है आपका? मुश्ताक। और ये बच्चा खत्म हुआ, ये किसका लड़का है? शमशाद। इसका नाम क्या है? सुफियान। कहाँ रहते हैं आप? तुर्कीपुर। और वो घर से नानी घर पे गया था, नानी घर से वापस लौट रहा था, पीछे से मोटरसाइकिल वाले ने मारा, उसके बाद डंपर वाले ने ऊपर चढ़ा दी। कहाँ से लौट रहे थे? छिबरा मऊ। कै बजे की बात है जी? लगभग डंपर वाले पकड़ा गया, क्या हुआ? डंपर वाले पुलिस वालों ने भगा दिया, पैसा ले लिया 5,000। आप क्या, आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? लोग आ कहाँ पे? हम तीन भाई हैं। अच्छा, आप कौन हैं? हम बड़े भाई हैं, छोटा भाई था वहाँ। और सबसे छोटा? वो अब नानी करते रहता है। अच्छा, ये पढ़ाई करते थे? क्या करते थे? पढ़ाई पढ़ाई। अच्छा, कौन से क्लास में? इंजीनियर फोर्थ कर रहे हैं। कहाँ का है मामला ये? तुम लोग कहाँ निवास है आपका? तुर्कीपुर। फरुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां एक और प्राइवेट हॉस्पिटल ने ले ली प्रसूता की जान। चिकित्सा की लापरवाही से प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई। बता दें कि महिला की मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में काटा जोरदार हंगामा। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे के लाइफ केयर हॉस्पिटल का ये मामला बताया जा रहा है। संजीव जी, क्या घटना हुई है? जहाँ में डॉक्टर की लापरवाही से बच्ची की मृत्यु हुई है। जी, क्या हुआ था बच्चे? इसमें ब्लड चढ़ा था जी, रात को 1 बजे, तो तभी से इसकी तबीयत खराब होने लगी थी। फिर कहाँ ले गए? आगरा ले जा रहे थे, रास्ते में खत्म हो गई, पहुँचे नहीं, दम तोड़ लिया। इस डॉक्टर साहब ने रेफर किया। पुलिस को सूचना दी आपने क्या? अभी नहीं दी। शिविर का क्या घटना हुई है? फिर क्या हुआ? यहाँ पे बात कंट्रोल नहीं हुआ, आगरा रेफर कर दिया। क्या किया, क्या हुआ था यहाँ? लड़का हुआ था। अजब डिलीवरी हुई थी? हाँ, नॉर्मल डिलीवरी। अजब, फिर क्या उसे किसमें क्या कमी रही थी? खून की बोतल चढ़ी है जी। हाँ, जब दूसरी लगाई है उसके बाद है। अच्छा, ब्लड ब्लड में ये, तो इन्हें का क्या मानते हैं आप? क्या हॉस्पिटल की क्या रहा? रहा इन लोगों ने की कमी थी, इन लोगों ने जब इनको पूछ रहे, ये लोग जवाब ना दे रहे, बता ना रहे, छुट्टी ना कर रहे। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ बबलू फरमान की रिपोर्ट। लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड के मारंग लोहिया पंचायत स्थित जिपुवा गांव में सर्पदंश से एक वृद्धा अचेत हो गई। परिजनों के अनुसार जिपुवा गांव निवासी मसूमात आशा देवी उम्र 65 वर्ष, पति तुलसी यादव अपने घर में बैठी हुई थी। किसी दौरान विषैली सांप ने वृद्धा को दंश लिया, जिससे वह अचेत हो गई।
जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में अचेत आशा देवी को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां पर चिकित्सक अलीशा टोपो के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। स्थिति को गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया है। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। हरा भरा काला पीपल अभियान के अंतर्गत विधानसभा काला पीपल के ग्राम हरलाई कला में ग्राम पंचायत हरलाई कला, ग्राम पंचायत बटवाड़ी, ग्राम पंचायत मुगोद, ग्राम पंचायत उचावत व ग्राम पंचायत निशाना की हरा भरा काला पीपल अभियान की योजना बैठक संपन्न हुई। ग्रामीणजनों में अभियान के प्रति भारी उत्साह देखा गया। इस दौरान विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने ग्रामीणजनों से जन सहयोग से एवं सरकार से सहयोग के वृक्ष लगाने तथा उनकी देखभाल करने का आग्रह किया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने क्षेत्र के तालाबों पर अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने का भी आश्वासन दिया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष जीवन आर्य, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष गोलू धनगर, सरपंच शैल कुमार परमार, चरण अंजना, ओम प्रकाश सक्सेना, कार्यक्रम का संचालन राम मानवत ने किया। इसमें समाज के साथ मिलकर के हम हरा भरा काला पीपल विधानसभा की शुरुआत हम करने वाले हैं। बहुत अच्छे से शुरुआत हुई है। आज हरलाई कला में 5 पंचायत के सभी प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमने तय किया है कि अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे समाज के सहयोग से। शासन का सहयोग भी रहेगा लेकिन इसमें शासन पीछे और समाज आगे रहेगा। समाज की जिम्मेदारी बनती है कि प्रकृति को कैसे संवारना। अगर प्रकृति का शोषण हुआ है तो प्रकृति का सिर्फ और सिर्फ दोहन हो, प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं उनकी उनके संरक्षण की जिम्मेदारी मनुष्य की है। इसलिए कालापल विधानसभा ने ये शुरुआत की है और एक एक गाँव में पौधारोपण होगा, घरों में पौधारोपण होगा, उनका संरक्षण एक एक परिवार करेगा। माताएं बहनें बच्चे सब इस अभियान में जुड़ने वाले हैं और बहुत अच्छी शुरुआत हमारी हुई है। शाजापुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। बाजरी की जनसभा में महिलाओं ने गीत गाते हुए किया डांस, वीडियो हुआ वायरल। ये वायरल वीडियो सलेमपुर लोकसभा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के जनसभा का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो विधानसभा बाजरी का है, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया था। ऐसा बताया जा रहा है कि जब महिलाएं डांस कर रही थी उस वक्त डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनसभा में नहीं पहुंचे थे। बलिया से सीनियर संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। खबर चंदौली से है, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे चंदौली। चंदौली लोकसभा सीट से सपा के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह के समर्थन में वोट की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बोले, डबल इंजन वालों का चंदौली आते जाते इंजन का धुआं निकल जाता है। यूपी में बीजेपी 80 में से पूरी 80 सीटें हार रही है। 400 पार का नारा देने वाले पूर्वांचल में चुनाव आते नारा भूल गए। जनता उन्हें 140 सीट के लिए भी तरसा देगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देंगे। चुनाव अपने हाथ में जनता ने ले लिया है और ये पीडीए परिवार, इंडिया गठबंधन, पीडीए परिवार इंडिया गठबंधन मिलकर के इस बार सातवें चरण में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और उन्हें पूर्वांचल की धरती पर जो घबराहट है उसी घबराहट की वजह से वो अपना आत्मविश्वास खो रहे हैं और जिन्होंने आत्मविश्वास खोया है उसी की वजह से उनकी जवान लड़खड़ा रही है, उनका जो कॉन्फिडेंस कम हुआ है उसी की वजह से भाषा और व्यवहार बदल गया है। जिन लोगों ने 10 साल में किसान नौजवान के साथ धोखा किया, जिनकी हर बात झूठी निकली, वादे झूठे निकले और लगातार आरक्षण को छीनने का काम कर रहे हैं, अब उनके पास रास्ता नहीं है। यही पूर्वांचल सातवें चरण में जो यहाँ की जनता का गुस्सा सातवें आसमान में है। अभी तक तो मैं कहता था क्यूटो लड़ाई में है लेकिन अब सुनने में आ रहा है प्रधान सांसद क्यूटो भी हार रहे हैं। चंदौली से सीनियर संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के कन्हाकी के चंबल तटवर्ती बीहड़ में आज अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना पर नगरपालिका से फायर ब्रिगेड को मौके पर रवाना किया गया, जहां दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। पालिका कर्मचारी विजय सिंह ने बताया कि आज दोपहर
कान्हा की गांव के बीहड़ू में आग लगने की सूचना मिली थी। हवा के झोंकों के साथ आग की लपटें करीब 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में फैल गई। ऐसे में दमकल चालक जितेंद्र सिंह, फायरमैन प्रभारी पप्पू गुर्जर, कुलदीप आदि ने दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं मिल सकती है। वहीं इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। मई महीने की शुरुआत के साथ दिनों दिन सूर्यदेव आग उगल रहे हैं, जिससे इन दिनों उपखंड का तापमान 48 प्लस बना हुआ है। बढ़ते तापमान की वजह से पशु पक्षियों के साथ ही लोगों का भी हाल बेहाल है। बढ़ते टेम्परेचर के साथ आगजनी की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। धौलपुर से सीनियर संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। बसेड़ी विधायक संजय जाटव के समर्थन में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करते हुए सरमथुरा थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरमथुरा थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम SDM बसेड़ी के जरिए पत्र भेजा है। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में बसेड़ी विधायक के समर्थकों ने बताया है कि सरमथुरा थाना प्रभारी जनता की समस्याओं को सुनने के बजाय क्षेत्र में दादागिरी के साथ भय और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। पत्र में बताया गया कि थाना प्रभारी लोगों को सट्टे और शराब के झूठे केस में फंसाकर शारीरिक प्रताड़ना देते हैं, जिसका विरोध संजय जाटव द्वारा किया गया। वहीं आपको बता दें कि विधायक के समर्थन में उपखंड अधिकारी सरमथुरा के जरिए मुख्यमंत्री के नाम भेजे गए पत्र में विधायक समर्थकों ने थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग करते हुए क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को रोकने की भी मांग की है, जिसके पूरा ना होने पर समर्थकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। धौलपुर से सीनियर संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। 1 जून को होने वाले अंतिम चरण के मतदान के लिए दुमका लोकसभा सीट से जीत के लिए झामुमो ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक एवं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मंच से अपनी जादुई आवाज और तथ्यात्मक आंकड़ों से जनता की नफ्स को टटोलकर झामुमो को वोट देने की अपील कर रही हैं। इसी क्रम में आज सोमवार को शिकारीपाड़ा के कॉलेज मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक बड़ी सभा हुई, जिसमें शिकारीपाड़ा रानेश्वर काठीकुंड के दूर दराज के गाँव से आए हुए हजारों हजार की संख्या में महिलाओं एवं पुरुषों ने अपनी प्रिय नेत्री कल्पना सोरेन को सुना और उनकी एक झलक पाने के लिए झमाझम हो रही बारिश के बावजूद घंटों डटे रहे। कल्पना सोरेन के साथ स्थानीय विधायक सह झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन भी उपस्थित रहे, जिन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए झामुमो के पक्ष में मतदान की अपील की। मौके पर झामुमो जिला प्रवक्ता अब्दुल सलाम अंसारी, प्रखंड अध्यक्ष चुंडा हेब्रम, सचिन प्रभुनाथ हासंदा, कलीमुद्दीन अंसारी समेत भारी संख्या में झामुमो के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दुमका से सीनियर संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। फरुखाबाद शमशाबाद के चुन्नी देवी राजनारायण मेमोरियल महाविद्यालय शमशाबाद के छात्र छात्राओं ने सोमवार कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी बीके सिंह को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उनका कहना है कि छात्र छात्राओं से महाविद्यालय की तरफ से अवैध वसूली की जा रही है और महाविद्यालय के कार्मिकों की ओर से छात्र छात्राओं को रोज धमकी दी जा रही है कि वृद्धि किए हुए शुल्क सहित जमा करने पर भी हम लोगों के प्रवेश पत्र नहीं दिए जा रहे हैं कि जब तक उक्त शिकायती पत्र वापस नहीं लेंगे तब तक प्रवेश पत्र ना देने की धमकी दी जा रही है और इसके साक्ष्य प्रमाण हम लोगों के पास मौजूद हैं। जिलाधिकारी ने इस बात को DIOS जिला विद्यालय निरीक्षक को भेज दिया और DIOS अधिकारी NP सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एक जांच टीम को गठित किया और जांच के निर्देश दिए। इस मौके पर विनीता, शिवानी, प्रियंका, राजकुमार, अभिषेक कुमार उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? राजकुमार। कहाँ से आए? बरजाला। किस लिए आप यहाँ पर आए हैं? महोदय, हमारे महाविद्यालय चुन्नी देवी राजनारायण मेमोरियल महाविद्यालय खानपुर शमशाबाद में अवैध शुल्क वसूली की जा रही है और सभी विश्वविद्यालय से अमानक है, ना ही अनुमोदित शिक्षक है उसमें कोई, और अवैध शुल्क जमा करने के पश्चात भी वो हमें एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं और शासन प्रशासन से धमकी दिला रहे हैं आए दिन कि अपना पत्र वापस लीजिए वरना हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और आपका भविष्य खराब कर देंगे। अवैध शुल्क कितना मांगा जा रहा है? करीब 35,500 रुपये लिया गया BSC का और उसके बाद 4,000 रुपये उन्होंने लिए प्रवेश निरस्त कर दिए, उसके बाद जब प्रवेश कराने के 4,000 रुपये अवैध रूप से वो भी लिए गए। तो जो जितना फीस टोटल कितनी थी पढ़ने की?
जायज फीस हमारे हिसाब से 24,000 के हर कॉलेज में पढ़ रही है। 24,000 आपकी जो स्कूल फीस जो है सरकारी तरफ से घोषणा है जी जी, महाविद्यालय की तरफ से होता है। सर अभी आपके पास जो छात्र शमसाबादी से आए हैं उसका क्या मामला है? कि बच्चे ये कह रहे हैं कि हमने फीस जमा की है क्योंकि अब 4 सेमेस्टर में परीक्षाएं होती हैं, तो हमको फीस जमा होने के बाद हमको कॉल लेटर नहीं दिया गया है। तो कहने को तो ये उस शिक्षा का मैटर है, उनसे भी उस शिक्षा अधिकारी को भी भेज देंगे, लेकिन हमने तब भी अपने स्तर से जांच बढ़ा दी गई है कि वास्तव में फीस ना पहुँच गई है या ना गई है। इसकी फीस का दूध का दूध जब पानी पानी हो जाएगा तब हम इसको अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हमने अपने राजपत्र अधिकारी को वहाँ पे जांच के लिए अथॉराइज कर दिया। कितनी सदस्यीय टीम सर, कितनी सदस्यीय टीम? एक अधिकारी काफी और भी क्या? एक सिंगल ऑफिसर। क्या सर ऐसे ही छात्रों का शोषण होता रहेगा जैसे वो कह रहे अवैध वसूली कर रहे हैं? अवैध वसूली है तो आप अपने उच्च शिक्षा अधिकारी से कहिए। फरुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक कैमूर के मार्ग निर्देशन पर कैमूर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से दोपहिया चार पहिया वाहनों पर कड़ी नजर रखते हुए बारीकी से जांच कर रही है। इसी कड़ी में थानाध्यक्ष करमचट विकास कुमार के कुशल नेतृत्व में SI दिवाकर कुमार पुलिस बल के साथ कैमूर रोहतास 2 जिलों को जोड़ने वाले पथ पर बगही पुल के पास चेक पोस्ट बनाया गया है, जहाँ आने जाने वाले वाहनों की बारीकी से जांच की जा रही है। SI दिवाकर कुमार ने बताया कि लोकतंत्र के इस महापर्व में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो, सभी लोग निर्भीक होकर अपना मतदान करें, ऐसे में कोई व्यक्ति नाजायज हथियार या नशीले पदार्थ का आयात निर्यात ना कर सके, इसलिए सभी वाहनों की बारीकी से जांच की जा रही है। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।